हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। भले ही आप आज कार परचेज करना चाह रहे हैं, भले ही आप नियर फ्यूचर में कार परचेज करना चाह रहे हैं, भले ही आपने हाल फिलहाल में कार परचेज कर ली है, लेकिन फ्यूचर में तो कार परचेज करेंगे, ये वन टाइम एक्सरसाइज तो नहीं है। तो साहब, आज का जो मुद्दा है ये एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक को उठाता है। एक्चुअली बात यह है, देयर हैव बीन मेनी पीपल हु हैव बीन सेंडिंग ईमेल्स जिसमें उन्होंने कंसर्न डाला है कि सर, ये मैन्युफैक्चर जो कार के प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं, उनकी बुकिंग पहले से लगी हुई है, तो वो कौन से प्राइस है जो एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि डीलरशिप उनको बोल रहा है कि जो नए रिवाइज प्राइसेस है उसी के हिसाब से उनको पेमेंट करनी है। अब देखिए, अगर मैं आपको कार के जो सेल्स के टर्म्स हैं उसके बारे में बताऊं, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है प्राइस एप्लीकेबल एट टाइम ऑफ व्हीकल डिलीवरी। जो उस टाइम प्राइस एप्लीकेबल होगा वही फाइनल प्राइस होगा। यस, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, वो भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने डीलर से बनाए हैं कि प्राइस एप्लीकेबल टाइम ऑफ डिलीवरी और व्हीकल इनवॉइसिंग जो भी होगा वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन सवाल यही है डेट जिस कस्टमर ने अपना ट्रस्ट दिखाया है, अपना इंटरेस्ट शो किया है, बुकिंग लगाई है, क्या ये एक्ट गुड कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रमोट करता है? Is it rational to charge a customer who already made a booking at a dealer showroom and expecting for his car delivery, जो डिलीवरी होने वाली है next 2 days में, 3 days में, 5 days में, in a week, उसको आप बोलते हैं one fine morning that you have to pay a higher up price? Yes, manufacturer के जो costing है, उनके margins हैं, मैं understand करता हूँ, shrink हो रहे हैं, competition बढ़ रहा है, रुपी devalued हो रहा है, parts की जो cost है वो बढ़ गई है, labor charges बढ़ गए हैं, employees की salaries हैं, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन साहब, ये चीजें वन फाइन मॉर्निंग में डिसाइड नहीं होती ना, दिस इज बीन टेकन ऑन अ डेली बेसिस। कॉस्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मार्जिन कितने हैं, एंड देन अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, देन मेक इट एट अ पॉइंट कि आप जो न्यू बुकिंग्स लग रही हैं उसमें समझ में आता है कि आपको रिवाइज प्राइस पे करने होंगे। बट हाउ अबाउट अ कस्टमर हु ऑलरेडी शोन अ ट्रस्ट इन योर ब्रांड और बुकिंग लगा रखी है? कुछ तो बफर दीजिए, कुछ तो प्राइस प्रोटेक्शन दीजिए, वन वीक का, टू वीक का। I can share you a real life scenario जिसमें एक कैंटीन के थ्रो कस्टमर थे, सेंट एन मेल की उनके कुछ वीक्स पहले डीलर के यहाँ बुकिंग लगाई थी, आप केवल परचेज ऑर्डर पेंडिंग है और डीलर सडनली उनको बोलता है कपल ऑफ डेज बैक कि आपको रिवाइज इंक्रीज प्राइसेस पे करने होंगे। एक कस्टमर ने मेल करा कि मेरी जो डिलीवरी थी डेट वॉज प्लान इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो गाड़ी नहीं आई अगस्त में, और अब डीलर बोल रहा है कि कार आ गई है बट यू हैव टू पे अ हायर अप प्राइस। रियलिटी क्या है वो भी जान लीजिए। अगर मैं आपसे हाउसिंग सेक्टर के बारे में बात करूं, मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था, तो साहब फ्लैट बुक करवाते हैं किस रेट पे करवाते हैं? जो प्रेजेंट रेट चल रहा है उसी रेट पे तो बुक करवाएंगे। कल अगर बुकिंग के बाद प्राइसेस हाइक हो जाते हैं, सो आर यू सपोज टू पे एन इंक्रीज प्राइसेस, या वही प्राइस एप्लीकेबल होता है जो बुकिंग वाला प्राइस होता है? नेचुरल है, बुकिंग वाला प्राइस ही होता है। आप कोई वेकेशन प्लान करते हैं, किसी टूर एजेंसी के पास जाते हैं, आपका टूर प्लान है 4 महीने बाद का, अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन जब भी आप बात करेंगे किसी ट्रैवल एजेंसी से तो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो प्राइस, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी के जो रेट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, एयरलाइंस के जो रेट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो आप बुकिंग तो प्रेजेंट रेट पे करेंगे ना। वो बोल देता साहब आप अभी इतने रुपये दे दीजिए और बाद में थोड़ी पेमेंट कर दीजिए, तो बुकिंग तो प्रेजेंट रेट पे होगी। अगर कल सपोज करेंसी डिवैल्यूड हो जाती है, एयरलाइन के फेयर बढ़ जाते हैं, यू आर नॉट सपोज टू पे हायर अप फॉर दिस थिंग। इसी तरह से मैं जैसे हांगकांग गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, तो करेंसी आप लेते हैं, करेंसी के रेट तो एवरी सेकेंड फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसके भी रेट आप प्रेजेंट रेट पर बुक करते हैं। आपको करेंसी 2 दिन बाद आ रही है, 1 दिन बाद आ रही है, तो वो जो कल वाला रेट है, परसों वाला रेट है, वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। यू आर सपोज टू पे एज पर द रेट इन विच यू आर बुकिंग द करेंसी ऑन प्रेजेंट प्राइसेस। तो साहब, कार के अंदर ऐसा क्यों है कि आपको ये सडनली जो रिवाइज प्राइसेस हैं वो आपको एप्लीकेबल होंगे? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीज रैशनल है? इज इट समथिंग विच इज एन आइडियल थिंग? बिकॉज ऐसा तो नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में, स्पेशली ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भाई इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और कॉस्टिंग बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, रुपी डिवैल्यूट हो रहा है। इट इज समथिंग विच इज बीन प्लान्ड। अगर आप एक चीज की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इट इज इफेक्टिव फ्रॉम टुडे। आई वोंट से दैट नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करिए, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन साहब वो उस पर करिए ना जो लोग नई बुकिंग लगाना चाह रहे हैं, द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट।
उन पे भी आप नया प्राइस थोप देंगे तो वो कैसे चलेगा? और अगर आपको थोपना ही है, give them a cushion. There has to be some kind of price protection for the customers who have shown confidence in the product. Because ultimately, अगर कार डीलर के स्टॉक पे पहुंच गई है, मैन्युफैक्चर ने तो कार पुराने प्राइस पे डीलर को बिल करी है, तो गेन किसका हो रहा है? आई एम नॉट सेइंग कि डीलर का गेन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बॉस. दे आर इन टू रेड्स, ऑटो इंडस्ट्री के वो आप कह सकते हैं कि वही सर्विस दे रहे हैं, वही कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं. लेकिन ये भी तो ठीक है, कस्टमर कैन नॉट बी पुट एट अ लॉस जस्ट बिकॉज कि आपने आज प्राइस नहीं अनाउंस करे. तो वो चीज एक बात है कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस को एक बिल्कुल हर्ट कर रहे हैं. अब देखिए, इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर आप इस चीज पे सिंक हैं, देन आई एम टेलिंग यू ऑन योर बिहाफ, इस चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा. लेकिन आगे तभी लेके जा सकता हूं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे. अगर आप लोग इस वीडियो को 25,000 25,000 लाइक देते हैं, देन ओनली आई कैन पुट इट टू सीएम, आई विल पुट इट टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, गडकरी साहब तक लेके जाऊंगा कि साहब आई ऑन योर बिहाफ, कि साहब अगर एक कस्टमर गाड़ी की बुकिंग लगाता है और उसको गाड़ी आने वाली है नेक्स्ट टू डेज में, इन अ वीक द कार हैज ऑलरेडी रीच्ड द डीलर स्टॉकयार्ड, लास्ट मोमेंट someone tells him that आपको इंक्रीज prices देने होंगे without giving him a buffer, तो वो कैसा रहेगा? तो यहाँ पे customer का ही loss है because manufacturer ने car तो पुराने price पे bill कर दी है. तो ये एक बात थी, I thought to share with you. आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को mail कर रहे हैं, तो साहब जान लीजिए 1-to-1 mail का response करना भी ठीक नहीं रह पाता है. आई एम ऑलमोस्ट वेडेड विद द मेल्स. अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप माई कार हेल्पलाइन के फोरम में आके यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आस्क मी रिकमेंडेशन. तो 1-to-1 मेल का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये एक बात थी आई थॉट टू शेयर विद यू इन टर्म्स ऑफ वीडियो. और अगर आप इस वीडियो पर सिंक है तो साहब वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए. चलो माई कार हेल्पलाइन बनाए हैं तो सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर. थैंक यू.